नमस्कार दोस्तों, नवरात्र का त्यौहार माता दुर्गा को समर्पित होता है। इस पर्व का इंतजार लोगों को साल भर से रहता है। पूरे साल में दो बार नवरात्रि का त्यौहार मनाया जाता है, पहला चैत्र नवरात्रि और दूसरा शारदीय नवरात्रि। फिलहाल चैत्र नवरात्र का महीना चल रहा है और कुछ दिनों में चैत्र नवरात्र का शुभारंभ होने भी जा रहा है। चैत्र नवरात्रि के दौरान कुछ नियमों का पालन करना बेहद जरूरी होता है, वरना पूर्ण फल की प्राप्ति नहीं होती है। आज हम आपको बताएंगे कि नवरात्रि में किन चीज़ों को खरीदना नहीं चाहिए। आइए जानते हैं क्या न खरीदें। पहले नंबर पर आता है चावल। चावल न खरीदें। नवरात्रि के 9 दिन चावल खरीदना शुभ नहीं माना जाता है। आप चावल नवरात्रि की शुरुआत होने से पहले ही खरीद सकते हैं। कहा जाता है कि चावल खरीदने से नवरात्रि में मिलने वाले पुण्य नष्ट हो जाते हैं। दूसरे नंबर पर आता है घर में इलेक्ट्रॉनिक का सामान न खरीदें। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार चैत्र नवरात्र के 9 दिन किसी भी तरह का इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदना अशुभ माना जाता है। कहा जाता है कि ऐसा करने से कुंडली के ग्रहों का प्रभाव पड़ता है, इससे आपको ग्रह दोष भी झेलना पड़ सकता है। इस दौरान ये सामान खरीदने से अच्छे परिणाम नहीं मिलते हैं। आप नवरात्रि समाप्त होने के बाद इलेक्ट्रॉनिक सामान की खरीदारी भी कर सकते हैं। तीसरे नंबर पर आता है काला कपड़ा। जी हाँ दोस्तों, चैत्र नवरात्रि के दौरान भूल कर भी काले कपड़े नहीं खरीदना चाहिए। काले वस्त्र खरीदना अशुभ माना जाता है। इसके अलावा काले कपड़े पहनना भी अशुभ माना जाता है। कहा जाता है कि काले कपड़े पहनने से सफलता प्राप्ति में नहीं होती और बाधाएं आना शुरू हो जाती हैं। आप 9 दिन काले कपड़े पहनने और खरीदने से परहेज करें। चौथे नंबर पर आता है लोहे का सामान। नवरात्रि के 9 दिन लोहे का सामान खरीदने से बचना चाहिए। कहा जाता है कि नवरात्रि के दिन लोहे के सामान खरीदने से आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी हो, तो कृपया हमारे इस चैनल को एक लाइक और एक सब्सक्राइब अवश्य ही करिएगा। धन्यवाद।